जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। गार्डन पट्टिकाएं तोड़नी बंद करो, वाह नहीं बंद करो, वाह पैसे लेके आओ तो उद्घाटन करो, वाह पैसे लेके आओ तो उद्घाटन करो, वाह पट्टिकाएं तोड़नी बंद करो, वाह कांग्रेसियों शरण करो, स्वाहा कांग्रेसियों शरण करो, स्वाहा पट्टिकाएं तोड़नी बंद करो, स्वाहा पट्टिकाएं तोड़नी बंद करो, स्वाहा पैसे लेके आओ तो उद्घाटन करो, स्वाहा पैसे लेके आओ तो उद्घाटन करो, स्वाहा कांग्रेस को करो नाहन नगर परिषद में माननीय श्रीमती श्यामा पुंडीर जी जो नगर परिषद नाहन की अध्यक्षा हैं, इन्होंने नाहन में 2 मंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस पार्किंग के लिए नाहन के पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने 4 करोड़ रुपए के लगभग राशि प्रदान की थी और साथ में इसके ऊपर 2 मंजिला और भवन बनना था दफ्तरों के लिए, उसकी राशि लगभग 2.5 करोड़ रुपया जब सरकार कांग्रेस की बन गई हिमाचल प्रदेश में वो राशि रोक दी गई। उसका काम पिछले 14 महीने से बंद पड़ा है और नाहन नगर की जनता की डिमांड थी यहाँ गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए, बहुत समस्या है नाहन में, डेली जाम लगते हैं। उस समस्या को देखते हुए ये 2 मंजिला पार्किंग बनाई गई थी तो नगर परिषद ने पिछली बैठक में ये तय किया कि इस जब तक राशि नहीं आए तो हम इस 2 मंजिला पार्किंग का उद्घाटन करके इसके टेंडर कर दें 29 तारीख को। ये फैसला किया गया और 8 पार्षदों ने नगर पालिका में लिख के दिया कि नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती श्यामा पुंडीर इस का उद्घाटन करें, विधिवत उद्घाटन करें 21 तारीख को। लेकिन और उसका उद्घाटन कर भी दिया 21 तारीख को, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये बात पची नहीं और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इस पट्टिका को तोड़ देंगे। तुरंत कांग्रेस के एक पार्षद, उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, पुलिस को बुलाया और उस पट्टिका को तोड़ दिया, उखाड़ दिया, तोड़ दिया, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। नगर परिषद जैसा आप सब जानते हैं एक स्वायत्त संस्था है, इसका अपना विधान है, अपना कानून है और नगर परिषद की अध्यक्षा को पूरा अधिकार है कि वो अपने जो फैसला नगर परिषद के बहुमत के पार्षदों ने किया था उसके चलते उनको उद्घाटन करने का पूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र को नहीं मानना ये कांग्रेस वालों की आदत है और उन्होंने न केवल पट्टिका तोड़ी और वो पुनः इसका उद्घाटन माननीय विधायक जी से करवाना चाहते हैं और 25 तारीख की उसके लिए डेट उन्होंने अनाउंस भी कर दी है। ये सारा घटनाक्रम बहुत ही शर्मनाक है। मेरा माननीय विधायक जी से एक निवेदन है, वो नगर परिषद नाहन में एक मनोनीत सदस्य हैं और वो भी मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार उनको जो नगर परिषद ने बहुमत से फैसला किया है उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं एक सदस्य के नाते। मेरा ये निवेदन रहेगा माननीय विधायक जी से, कांग्रेस की सरकार से, कि अपने अति उत्साही जो कांग्रेस के सदस्य हैं और वो भी अधिकांश नहीं एक ही सदस्य हैं जो इस प्रकार के कुकर्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनकी वजह से पहले भी माननीय विधायक जी की बहुत किरकिरी हो चुकी है,
मेरा ये निवेदन रहेगा माननीय विधायक जी से, इस तरह के काम ना करें। और उनसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, उस पार्किंग के ऊपर जो बहुमंजिला इमारत बननी है उसकी जो राशि 2.5 करोड़ रुपये रोकी हुई है उसको सरकार से स्वीकृत करा के लाएं, उसका काम चालू करवाएं, उसको बनवाएं। और सारे पार्षद यहाँ खड़े हैं, जिस दिन वो पार्किंग जो पार्किंग के ऊपर बिल्डिंग बनवा देंगे, पैसा ला देंगे, उसका विधिवत उद्घाटन उनके कर कमलों से हम करवाएंगे। ये आज यहाँ ये भी कहना चाहते हैं।